खतरों के खिलाड़ी में विशाल और निक्की का सफर खत्म हो गया है। जहां विशाल आदित्य से इन वाइल्ड कार्ड बनकर फिर से एंट्री करेंगे, वहीं अब विशाल ने उस फेमस फ्राइंग पैन सीन को, जिसमें केकेके में जिसको रिक्रिएट किया गया, जिसके बाद मधुरिमा तुली नाराज हुई थी, यहां तक कि सोशल मीडिया पर भी मेकर्स को फटकार लगी थी, उस पर अब खुलकर बात की है। क्या कहा है विशाल ने, मैं हीना कुमावत फिल्म विंडो पे आपको बताऊंगी। तो आप सभी जानते ही हैं कि वो सीन के बाद जो है सोशल मीडिया पर लगातार इस बात की क्लास लगी थी कि मेकर्स को ऐसा नहीं करना चाहिए था। जाहिर सी बात है कि मेकर्स जो हैं, जो चीज़ हो चुकी पुरानी उसको बार बार रिक्रिएट करके जो है टीआरपी बटोर रहे हैं। मधुरिमा तुली ने भी ये एक वीडियो डाला था जिसमें उन्होंने कहा था कि उनके अलावा भी बाकी कंटेस्टेंट थे जो जिस तरीके से उनकी लड़ाई हुई थी उनको तो कभी रिक्रिएट नहीं किया जाता, बार बार इसी सीन को क्यों किया जाता है। उन्होंने ये भी कहा था कि इस बात को देखकर उनकी मम्मी बहुत दुखी हुई और रो रही थी। अब विशाल आदित्य सिंह ने एक बड़ी बात कही है और उन्होंने मधुरिमा तुली को भी सलाह दे दी है। उन्होंने कहा कि जब वो घटना हुई तो मैं बहुत खुश नहीं था जहां पर उन्होंने रिक्रिएशन किया, लेकिन वहां पर दो ऐसे बड़े लोग थे, आप समझ सकते हैं बड़े लोग कौन है वहां पर, तो उन लोगों ने बोला तू बेवकूफ है क्या, छोड़, तू खतरों के खिलाड़ी में है और ये महत्वपूर्ण है, ये होता रहेगा, ये सिर्फ एक फॉर्मेट है, उन्होंने बोला कि ऐसे ही रख और सब खत्म करना। अब इस सारी बातों को लेकर विशाल ने ये कहा है कि वहां दो बड़े लोग थे, उन्होंने मुझे बोला तो मैं मना नहीं कर पाया। वो आगे कहते हैं, मैं फ्राइंग पैन वाली घटना को बहुत अधिक महत्व नहीं दिया और यही वजह थी कि उस शो में दोबारा उसे नहीं दोहराया गया। जब उसे पूछा गया कि मधुरिमा बहुत हर्ट हुई थी, उस पर वो कहते हैं कि मैं तो सिर्फ इससे इतना ही कहूंगा कि उस बात को एक्सेप्ट करो और आगे बढ़ो। तो विशाल के चेहरे पर वो नजर आ रहा था कि वो कंफर्टेबल नहीं है और इस बात को अब उन्होंने खुद माना है कि मैं कंफर्टेबल नहीं था, लेकिन वहां दो बड़े लोग मौजूद थे, उन्होंने मुझे कहा तो मुझे ये करना पड़ा।